आज मैं आपको इस तरह की पग बनाना बताऊंगी जिसके अंदर मैंने 3 अलग अलग कलर के रिबन यूज कर रखे हैं। इस तरह के पतले रिबन जो मैंने यूज कर रखे हैं ये पग बनाने के लिए। अब मैं ये दूसरे पग बनाऊंगी इन बड़े रिबन की सहायता से। ये मेरे गोटा है जो अलग अलग कलर के हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके मैं इसी तरह की एक और पग बना के दिखाती हूँ। शुरू करेंगे। अब मैंने एक ड्राइंग शीट के ऊपर एक एक लाइन के अंदर गोल्डन को छुपाते हुए इनको पेस्ट कर लिया है ताकि इससे हम इस तरह का उनका मुकुट बना सकें। अब आप ये पग देखेंगे, इसके अंदर मैंने कपड़ा इस्तेमाल कर रखा है, कपड़े का बना रखा है। अगर आप चाहें तो कपड़े का भी बना सकते हैं, बट मैं सेम मैचिंग के अंदर इस तरह डिफरेंट कलर्स की बना रही हूँ। आई होप ये भी बहुत अच्छी लगी। शुरू करूँगी, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हुए एक एंड को थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और उसको जो ये मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट है वहाँ पे नीचे पेस्ट करूँगी नीचे। अब इसको मैं यहाँ से रखते हुए आऊँगी और इसको इधर शेप मेंटेन करते हुए क्योंकि ये गोलाई में है इस तरह यहाँ लेके आऊँगी। इसके अंदर मैं पूरा सर्कल लगाऊंगी क्योंकि मुझे सेम कलर का लेना है। यहाँ इसको धीरे धीरे घुमाते हुए यहाँ पे लगा। अब मेरे को इसे कट करना है, मैं सीजर लेके इसे कट कर और यहाँ इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर। अब जो हमारा दूसरा कलर है मैं उसको लूँगी, उसका भी एक एंड इसी तरह से, इसके धागे निकल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसे काट लूँगी। अब इसका एक एंड इस तरह से लेके इसके ऊपर भी हल्की सी ग्लू लगा के अभी गोल्डन को छुपाते हुए क्योंकि मैं गोल्डन कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से मैं लगाऊँगी और सेम इसी तरह से गोल्डन के ऊपर इसको मैं लेके आऊंगी। शेप का ध्यान रखिएगा कि वो शेप उसी तरीके की आए। यहाँ लाके इसको मैं इस तरह सीजर से काटूंगी और यहाँ पे इसको फिक्स कर। अब मैं अपना थर्ड कलर लूँगी ग्रीन, इसको भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इसी तरह हम अपना सारे राउंड्स लगाते जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं इस तरह का ये लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं सेंटर में लगाऊंगी, मैं एक इसको सर्कल में लगाऊंगी इधर। Thank you.
ये किस तरह से मेरी बन गई। अब ये मैंने लिया है अपना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब इसको इस तरह से मोर पंख बनाने के लिए मैं इस करूँगी, एक एक तरफ से और एक एक तरफ से। ये मैंने नॉर्मल जो हमारे ड्राइंग पेपर होता है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो बुकरम के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। अब इसको जो मेरा नॉर्मल सुई धागा का धागा होता है वो मैं धागा लूंगी और उसको इससे अच्छे से बांध लूंगी। अब मैं एक कटर लूंगी, कटर की सहायता से ये जहाँ मैंने सेंटर में लगाया है उसके ऊपर इधर छेद करूंगी, इधर से काट लूंगी क्योंकि ऊपर मैंने बुकरम लगा रखी है और बुकरम के अंदर मैं इसको फंसा लूंगी। अब इसको थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसके अंदर मैं फिक्स कर दूंगी ताकि ये मेरी बाद में दिक्कत ना आए। थोड़ी सी ग्लू लगा दूंगी। ग्लू लगा के मैं इसको इसके अंदर डालूंगी। अगर आप चाहें तो ऊपर आप भी कपड़ा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर इच्छा के ऊपर। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, ये आपको बहुत पसंद भी आएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट या सजेशन है तो वो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।